हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ वगैरह लाता रहता हूं। तो यार, जैसा कि मैंने आपको बोला था, डेली बेसिस पे दो बंदों को शाउट आउट दूंगा। तो आज को जो शाउट आउट है बस्तीदा मुंडा और अली हसन को जाता है। तो इनका चैनल लाजमी चेकआउट करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें ताकि आप भी वीडियो में मेंशन हो सकें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज की हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो गेम शो से रिलेटेड है, जिसके होस्ट दानिश तैमूर है। उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है कि बासित रेंड और लारेब खालिद के दरमियान। तो बासित रेंड की एक अलग टीम थी, लारेब खालिद की एक अलग टीम थी। अगर मैं आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी। लेकिन यार, मैं आपको ये सारी कंट्रोवर्सी तो नहीं समझा सकता, लेकिन बासित रेंड की वीडियो का एक पार्ट दिखा देता हूँ, जिससे आपको इस कॉन्ट्रोवर्सी का अंदाजा हो जाएगा। बकाया उनकी फुल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके रिलेटेड लारेब खालिद ने क्या बात की वो भी मैं आपको इसकी वीडियो के बाद समझा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया गेम शो, क्योंकि मैं देखने भरत का साथ नहीं दे सकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मेरी जगह चली जाएगी गेम शो में, बल्कि दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है मैंने। तो एक चीज़ जब मैं देख रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है ऐसा, फिर मैं जान के अगर बैठूँ अपने सिर्फ इसलिए कि मेरी जगह चली जाएगी गेम शो में, तो मैं ये कभी नहीं कर सकता यार। मेरा ईमान मुझे इतना अलाउ नहीं करता। पहले गोरिल्लाज़ एलिमिनेट हो रही थी, सबसे वीक थी, तब की बात है जब एलिमिनेटर्स शुरू नहीं हुए थे। तब से मैं नाम नहीं ले रहा कौन, लेकिन सब बोल रहे थे लिख के ले लो कन्फर्म है गोरिल्लाज़ जीत जाएंगे। भाई कैसे, आप लोग को कैसे पता यार? तुम लोग को कैसे पता यार फ्यूचर का कौन आएगा कौन जीतेगा? अभी तक ना एलिमिनेटर हुआ है ना कुछ हुआ है। पहले से तुम लोग बोल रहे हो कि यार कन्फर्म लिख के ले लो गोरिल्लाज़ जाएगी, गोरिल्लाज़ फलाने को काट देगी, फलाने टीम को काट देगी। यार एक बहुत बड़ी बात है, जंगी ने कुरान शरीफ की कसम खाई, जंगी को इवन ये तक बोला कि तुम कुरान पे हाथ रखो। मैं एक गेम शो के लिए यार कुरान शरीफ का एक बहुत बड़ा दर्जा है यार, लेकिन कुरान शरीफ को तुम लोग कैसे इधर ले आ रहे हो? कुरान शरीफ पे हाथ रखो, जंगी ने बोला हाँ मैं कुरान की कसम कहता हूँ कुरान शरीफ पे हाथ रखूंगा कि टच नहीं हुई, बस उधर बात खत्म, उधर बात खत्म। अगर जंगी झूठ भी बोला था, वो उसका ज़र्फ़ उसका ईमान, अगर जंगी झूठ भी बोल रहा था होना ये चाहिए था कि भाई उसने कुरान की कसम खाई है तो इसका मतलब है बस खत्म है बात यहाँ। और इसके बाद वासिदिन ने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो गेम शो छोड़ के घर पे आ गए हैं। तो उनकी वीडियो का वो पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुँच गया, खैर और खुशी से। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं चंद पैसों के लिए, चंद टाइटल्स के लिए और चंद गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता और अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता और हक का साथ नहीं छोड़ सकता। जब मैं देख रहा हूँ एक चीज़ अपनी आंखों से कि यार बॉल नहीं लगी, तो बस नहीं लगी। फिर चाहे को कुछ भी हो यार, मेरे अब्बू भी अगर होंगे बोलेंगे गलत के साथ दो, मैं बोलूँगा नहीं, गलत के साथ कभी नहीं दूंगा मैं। तो यार, इस कंट्रोवर्सी के बाद बासितिन के फैन काफ़ी ज़्यादा दानिश तैमूर को हेट वगैरह दे रहे थे, जिसके रिलेटेड बासितिन ने स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी किसी को हेट वगैरह ना दे और किसी को गाली वगैरह ना दे, अगर कोई भी बात करनी है तो जेंटल वे में करें। और इसी के साथ साथ लारेब खालिद ने भी स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह नोज एवरीथिंग, बस बात इतनी सी है। तो सबके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बकाया वीडियोज़ के रिलेटेड जितनी भी लिंक्स वगैरह हैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यार, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो माज सफदर से रिलेटेड है। तो रिसेंटली माज सफदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किया था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सेट थे, क्योंकि लोग रात के 3-3, 4-4 बजे उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए मतलब उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं, जिसके रिलेटेड उन्होंने अपनी वीडियो में बात की। तो उनकी वीडियो का पार्ट मैं आपको दिखा देता हूं, पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्चर तो ले रहे थे, ठीक है पिक्चर मैंने मान ली ले रहे थे, लेकिन मैं बहुत बार मना कर चुका हूं कि यार प्राइवेसी होती है, कोई वो नहीं तोड़ो, वो नहीं तोड़ो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। वो एक्चुअली वीडियो भी बना रहे थे। हाँ, वीडियो भी बना रहे थे, वो घर के नीचे खड़े हो गए यार, मतलब घर रिवील क्या मतलब, इसका मतलब घर के नीचे थोड़ी आना होता है यार। अब मैं निकल रहा हूँ, अम्मा के साथ हूँ, वाइफ के साथ हूँ, मैं पहले भी इतनी बार व्लॉग में बोल चुका हूँ, अगर मैं दोबारा बोलूँ लोग बोले शायद तू पागल बना रहा है, लेकिन सीरियसली कभी आप अगर आओगे ना तो आप खुद देखना, आप मेरे साथ मिलने नहीं आना, बस वैसे ही अगर आपको पता है तो देखने आ जाना, कोई ना कोई खड़ा होता है लाजमी। अब वो उधर देख रहा होता है, ऊपर देख रहा होता है, बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं शहरी में उतरता नहीं हूँ, लेकिन अभी 2 दिन से उतर रहा हूँ तो शहरी में भी लोग आ रहे हैं। तो यार, जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बकाया इसके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है बाबा ओपी और पीजे हयात से रिलेटेड है। तो रिसेंटली बाबा ओपी ने पीजे हयात की वीडियो पर रिएक्शन दिया, जिसमें पीजे हयात ने फेस रिवील किया और लोग काफ़ी ज़्यादा पीजे हयात को उसके रिलेटेड हेट दे रहे थे। तो बाबा ओपी इसके रिलेटेड भी अपनी लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे। तो बाबा ओपी की वीडियो का वो पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइए पीजे हयात, मुझे भी इसी चाहिए, मुझे भी इसी चाहिए। रुको पीजे हयात को मैं कहता हूँ मुझे भी दो, बड़ी खलीफा को दे दिया है, बड़ी दिशिती दे रहे हो, खैर है मुझे भी दे दो 5,000 यूसी है। आपका ट्रेलर देख रहा हूँ, ईद वाला, ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ, मुझे भी दे दो 5,000 यूसी है। मैंने अपनी M16A4 वो अपग्रेड करनी है, मुझे भी दो, मुझे, मैं, तुमने मुझे ईदी दीना ना, मैंने रोने लग जाना।
भेजा मैंने पीजी याद को याद सुबह मैं देख रहा था बहुत से लोग यार हेट दे रहे थे बेफजूल का, तो खैर यार ऐसी वो ना किया करो, अपना बकचोदिया ना मारा करो बीच में, हर किसी की सिस्टर होती है, मदर होती है, दिस एड इज तो यार इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज़ है वो मिस्टर जे प्लेस से रिलेटेड है। तो रिसेंटली मिस्टर जे प्लेस अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिसमें लोग उनसे उनके इंडियन फेवरेट यूट्यूबर के रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मिस्टर जे प्लेस ने उसका क्या जवाब दिया मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी के साथ साथ वो इंडियन यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन के रिलेटेड भी बात कर रहे थे, तो उनकी वीडियो का वो पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्काउट? यार अब मैं उसको पबजी खेलते नहीं देखता, लेकिन स्काउट हो गया वो इंडिया के मेरे फेवरेट स्ट्रीमर्स में आता है, स्ट्रीमर्स में आता है वो, फेवरेट स्ट्रीमर्स में, क्योंकि वो बंदा सारी गेमें खेलता है इसीलिए आता है। कैरी भी, मॉर्टल भी बीच में कभी कभी खेल लेता है, डायनामो भी जीटीए खेल लेता है बस। और वो एक है वैलो वाला लड़का, वो बड़ा बकचोद है, बड़ा हरामी है, वो मैं उसकी देखता हूँ। हाइड्राफ्लिक? नहीं 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 नहीं, वैलो नहीं, वो नहीं, वो है टी बोन, टीबोन के नाम से। हाँ टीबोन, वो ही इज़ वेरी नाइस, वो बड़ा टैलेंटेड, बड़ा हरामी बनता है। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है, बड़े जो चिल होते हैं ना अपनी ऑडियंस के साथ, जिस तरह के लोग पसंद है। हाँ जी टी एक्स प्रीत को मैं जानता हूँ बिल्कुल, जी टी एक्स प्रीत के साथ अब मेरी गेमें भी लगी हुई हैं आज से कोई 2.5-3 साल पहले, जब पबजी फुल टॉप पे थी। एक सेकेंड, कोलैबोरेशन कब आ रही है इंडियन यूट्यूबर के साथ? फ्रिया यार करते हैं यूट्यूबर्स के साथ करते हैं, राका से बात चल रही है और टीबोन के साथ भी हो सकती है, और स्काउट के साथ तो मेरी कोलैबोरेशन हुई हुई है टीडीएम में, इनके साथ हुई है मेरी। पायल के साथ भी है, हाँ वही भी है, पायल के साथ भी गपशप है, हाँ उसको मैंने बोला था जीटीएम में आने का। तो यार आप लोगों को क्या लगता है कि मिस्टर जेपले इनमें से किसी यूट्यूबर के साथ जो कि इंडिया से हो कोलैबोरेशन वगैरह आएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाने बताना। बकाया आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लाने बताएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आप भी वीडियो में मेंशन हो सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।